इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डेंजर ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पर डिस्कस करेंगे बेसिकली जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है उससे क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती हैं, कितना नुकसान हो सकता है ना, उसके खतरे क्या हैं। तो बेसिकली जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, अगर उसको जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है वो उसके डिस्चार्ज से, अगर कोई ऑब्जेक्ट चार्ज्ड है और अगर वो डिस्चार्ज हो रहा है ना, तो अगर उसका चार्ज डिस्चार्ज हो रहा है तो उसमें या तो स्पार्क भी जनरेट हो सकता है और ज़्यादा बड़ा भी स्पार्क हो सकता है ना, या दूसरा कोई इस तरह की डिवाइस है जैसे कि हमारी सेमीकंडक्टर आईसीज़ हैं, है ना, कंप्यूटर का आप मदरबोर्ड देख सकते, मदरबोर्ड कह सकते हैं, मोबाइल फ़ोन का कह सकते हैं। तो अगर कुछ तो वो जो इंटरनली जो वर्क करते हैं वो 5 वोल्ट से लेके 15 वोल्ट तक का उसमें वर्क करता है वो सब सेमीकंडक्टर डिवाइस, तो हो सकता है चार्ज उससे ज़्यादा हो, अगर डायरेक्ट चार्ज ट्रांसफ़र हो जाए तो वो भी डैमेज हो सकता है। तो उसी को देखते हुए तो उसमें दो तीन हमारे मैंने एग्ज़ाम्पल लिए हैं, बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले ये एयरफोर्स, रॉयल एयरफोर्स का है मैनुअल, जब वो एयरक्राफ्ट को फ्यूल करते हैं, है ना, जो उसका फ्यूल फिल करते हैं इसके टैंक में, तो उसके लिए यहाँ पर इन्होंने इंस्ट्रक्शन दी हुई हैं। तो सेकंड इंस्ट्रक्शन है एयरक्राफ्ट बॉन्डेड एंड अर्थड टू रिड्यूस स्टैटिक स्पार्क। तो सबसे पहले अब क्योंकि जो एयरक्राफ्ट है वो फ्लाई करता है एयर में और काफ़ी अच्छी स्पीड से फ्लाई करता है, तो पॉसिबिलिटी है कि उस पर कोई चार्ज आए, क्योंकि एयर के साथ फ्रिक्शन होता है और एयर के साथ ही हमेशा फ्रिक्शन नहीं है, मतलब उसमें क्लाउड भी हैं और तो उसमें पानी भी है, उसमें आइस भी है ना, तो अगर क्लाउड के बीच में वो फ्लो कर रहा है तो, और बाकी और अदर मोलिक्यूल हैं जो भी एयर में होते हैं, तो मोस्ट प्रोबली उस पर कोई ना कोई चार्ज आ जाएगा। तो जो चार्ज आता है अगर हम इसको डायरेक्ट फ्यूल करने लगें तो हो सकता है कि जब आप इसको फ्यूल कर रहे हो तो ट्रक के साथ ये डिस्चार्ज हो, और फ्यूल के साथ अगर कहीं पर इस तरह का स्पार्क या है ना डिस्चार्ज होता है तो हो सकता है कि फ्यूल आग पकड़ लें, तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो उससे बचने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले जब इसको रिफ्यूलिंग इसकी होती है, जब फ्यूल फिल करते हैं तो सबसे पहले एयरक्राफ्ट को अर्थ करते हैं। तो यहाँ पर एयरक्राफ्ट को अर्थ किया हुआ है प्रॉपरली, ठीक, और ये मेज़र करता है बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज को मेज़र भी करते हैं, ठीक है। तो जब वो बिल्कुल न्यूट्रल हो जाता है उसके बाद ट्रक वो भी प्रॉपरली अर्थ है, और उसके बाद ही इसको इसकी रिफ्यूलिंग करते हैं। तो बाकी जो प्रोसीजर हैं इसमें काफ़ी प्रोसीजर हैं, तो मेरा जो फोकस है वो स्टैटिक स्पार्क और उससे होने वाली जो प्रॉब्लम है उसको लेके है। अब आते हैं इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज है क्या बेसिकली। तो कोई भी चार्ज बॉडी है, ठीक, और उसका एकदम से चार्ज जो है वो ट्रांसफ़र हो जाए कहीं, सही है, तो या उसको इस तरह बोलो कि ऑब्जेक्ट को वो छोड़ के जा रहे हैं, तो छोड़ के जब जाते हैं तो उसको बोलते हैं स्टैटिक डिस्चार्ज, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, जो स्टैटिक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज उसको बोल सकते हैं। द लॉस ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एज चार्ज मूव ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। अब जो डिस्चार्ज जो होता है अगर ये एकदम से हो जाए, है ना, क्विकली, तो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हैपन्स क्विकली, इट मे हैपन विद ए फ्लैश ऑफ लाइट, है ना, तो स्पार्क, ए शॉक और ए क्रैकलिंग नॉइस। तो यहाँ पर इसमें ये डोर नोब का तो दिया ही है कि अगर कोई चार्ज पर्सन है और वो डोर नोब को जाके एकदम उसको टच करता है तो तुरंत एकदम शॉक लगता है इस तरह का। लाइट थंडर स्टॉर्म में आपने देखा ही है कि जब कभी बारिश वारिश इस तरह का मौसम होता है तो थंडर स्टॉर्म में लाइटिंग होती है, तो वो भी बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज है। अच्छा, एक कोरोना डिस्चार्ज भी है ना, तो अच्छा हाई टेंशन लाइन के नीचे अगर जाए वहाँ क्रैकलिंग नॉइस आती है, इस तरह की हम नॉइस, हम टाइप की नॉइस होती है ना। तो बाकी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। अब एक ये मैन मेड एग्जाम्पल है, तो वेंडेग्राफ जनरेटर है, ये इस तरह का लगता है वेंडेग्राफ जनरेटर, और ये इसका वर्किंग मॉडल है कैसे ये काम करता है। तो इस पर पॉजिटिव चार्ज है और इस पर नेगेटिव चार्ज है, तो जब कभी चार्ज एक लिमिट से एक्सेस हो जाता है तो उसमें क्या होता है, उस डिस्टेंस के अकॉर्डिंग वो क्या करने लगता है, जो ये वाला है नेगेटिव रहता है बेसिकली, तो जैसे यहाँ पर देख रहे हो ये नेगेटिव है, और ये जो मेन है जहाँ पर मोटर लगी हुई है और बेल्ट मूव करती है ना रोलर के साथ, तो रब करती है, तो रब करने में यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज कलेक्ट होता है इस वाले रोलर पे, और जो हमारा राइट जो स्फेयर है उस पर नेगेटिव चार्ज। तो
अगर चार्ज एक सर्टेन लिमिट से अगर एक्सीड करता है तो वो जो एक्सेस होने की वजह से चार्ज वो एयर को क्या करता है, बेसिकली जो एयर को ये आयनाइज करता है, सही है। तो एयर को आयनाइज करता है तो वो पाथ बनाता है थ्रू एयर, और तो नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है वो चार्ज जो है एकदम पास होता है, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि जो एयर है वो इतनी हीटअप होती है कि वो इस तरह लाइटिंग की फॉर्म में आ जाती है, ठीक है ना। तो इस तरह का ये यहाँ पर हमें स्पार्क टाइप का ये हमें दिखाई देता है। तो बेसिकली क्या है, ये जो इलेक्ट्रॉन या आयनाइज एयर है ये जो एकदम मूव कर रही है, तो इसकी जो स्पीड है ना, उसकी वजह से वो हीटअप होती है, और हीटअप होने से जो जो उसकी एनर्जी है वो ट्रांसफ़र होती है किसमें, लाइटिंग एनर्जी में, और साथ में साउंड भी। तो इसमें तीन चार चीज़ें हैं। तो जब भी इस तरह का डिस्चार्ज होता है तो लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होती है, जो इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है, जो इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है तो लाइटिंग में, साउंड एनर्जी में वो क्रैकलिंग साउंड होती है, चिरप चिरप इस तरह की, और टेम्परेचर है ना। तो उसके बाद ये उस दूसरे ऑब्जेक्ट को वहाँ पर ये चला जाता है, और ये जो माइनस और प्लस मिलते हैं सॉरी कंबाइन हो जाते हैं, ठीक है। तो बस ये है इसमें। तो वैन डे ग्राफ जनरेटर को एक अलग लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कैसे ये वर्क करता है, ठीक। ये नेचुरल फिनोमेना है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का, तो ये आपने सब देखा ही होगा। अब इसको डिस्कस करते हैं, इसमें बेसिकली होता क्या है। तो यहाँ पर ये जो डायग्राम है इसमें ये 0 डिग्री, ये -40 डिग्री, और बेसिकली क्या है, जो थंडर जो हमारा स्टॉर्म है ना, तो वाटर ड्रोपलेट होती हैं इसके अंदर, आइस है और एयर है। तो जो इनसाइड है एक क्लाउड के या थंडर स्टॉर्म के, उसमें वाटर ड्रोपलेट, आइस और एयर, और ये इनसाइड मूव करती हैं किसी क्लाउड के, थंडर स्टॉर्म के, ठीक। तो नेगेटिव चार्ज इसमें, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज इसमें बिल्डअप होता है। तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो जो जो क्लाउड है उसके जो अपर पार्ट में ये पॉजिटिव चार्ज कलेक्ट होता है, और लोअर पार्ट में नेगेटिव चार्ज कलेक्ट होता है, ठीक। तो मोस्टली नेगेटिव चार्ज हमेशा किसी भी क्लाउड के नीचे ही रहेगा। तो उसका रीज़न ये है कि जो अर्थ है ये नीचे अर्थ का सरफेस दिया हुआ है, तो 8 से 10 किलोमीटर, तो अर्थ पॉजिटिव है, ठीक है ना। तो अर्थ जो है, अर्थ का जो सरफेस है पॉजिटिव है, तो जो नेगेटिव है इस पर अट्रैक्ट होता है। देखो ऊपर तो कुछ है ही नहीं, ऊपर तो सारा स्पेस है, क्लाउड के ऊपर तो प्योरली स्पेस है सारा। तो जो नेगेटिव चार्ज है, तो बेसिकली नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन ही मूव करते हैं, तो वो जो अर्थ है उसको वो पॉजिटिव लगती है, तो उसकी तरफ ये अट्रैक्ट होता है, तो इसलिए नेगेटिव चार्ज आते हैं नीचे। और ये चार्ज मेगा वोल्ट की रेंज में है ना, उससे भी ज़्यादा, ठीक। तो जो नेगेटिव चार्ज है वो क्लाउड के जो लोअर साइड में आएगा है ना, बॉटम ऑफ द क्लाउड, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो टॉप पे बिल्ड होगा, ठीक है। तो रीज़न मैंने बता ही दिया है कि जो अर्थ है, जो अर्थ बेसिकली वो पॉजिटिव सरफेस है अर्थ का, तो उसकी तरफ ये अट्रैक्ट होता है, तो इस वजह से नेगेटिव वाला नीचे और पॉजिटिव वाला ऊपर होता है। तो आप सिंपली देख सकते हैं, तो अर्थ में जितने भी ये ट्रीज़ वगैरह हैं या बिल्डिंग वगैरह हैं, तो ये सब अट्रैक्ट करते हैं। तो अर्थ से जितनी कम डिस्टेंस होगी, तो अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ये भी ट्री है, इन पर पॉजिटिव चार्ज है, ऐसे ही बिल्डिंग है यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज है, तो बिल्डिंग ट्री से भी ऊपर है, तो इसलिए बिल्डिंग पे भी ये जो लाइटनिंग है ये हो सकती है ना। तो अब जैसे ही नेगेटिव चार्ज ये ऊपर दिया हुआ है, पॉजिटिव चार्ज है, तो इसको बोलते हैं बिजली गिरना इस तरह का, है ना। तो जो लाइटनिंग फॉर्म होती है तो वो किस तरह होती है, अब इसको समझेंगे। तो अगर जो क्लाउड है, अगर उसके ऊपर जो उसके नीचे नेगेटिव चार्ज है वो इनफ है, और उसकी डिस्टेंस, क्योंकि जब बारिश होती है तो जो पानी वाले हैं बेसिकली वो थोड़े नीचे आ जाते हैं, है ना। तो बादल भी कई लेयर में हैं, तो जो बरसने वाले नहीं होते इस तरह का नहीं है, वो सबसे ऊपर, और सबसे नीचे वो चलते हैं जो बारिश करने वाले होते हैं, तो उनका उसमें पानी ज़्यादा होता है उनमें, है ना। तो नेगेटिव चार्ज जैसे ज़्यादा होगा कि जो थंडर स्टॉर्म है वो क्या करते हैं, उसके अंदर आइस वगैरह ये कंटिन्यूस मूव होते रहते हैं, और मूव होने से जो फ्रिक्शन से वो हमारे जो चार्ज जनरेट होता है। तो जब भी चार्ज को एक एक्सेस हो जाएगा, तो जब भी इतना हो जाएगा कि वो पूरी जो एयर है उसको आयनाइज कर दे, ठीक है ना, तो आसपास की एयर को वो आयनाइज करना शुरू करता है, और वो फिर ऐसा लगता है कि जैसे कि
लाइटिंग इफेक्ट आना शुरू हो जाता है, और एक टाइम ऐसा आता है कि वो ऊपर से नीचे जो पॉजिटिव चार्ज है अर्थ का, तो जो भी उसको पीक दिखाई देगा अर्थ पे उस टाइम, सही है, जिसमें भी उसकी लोएस्ट डिस्टेंस होगी, तो उस चाहे बिल्डिंग का अपर पार्ट हो चाहे वो किसी ट्री का अपर पार्ट हो, तो वो उसके ऊपर ही गिर जाएगा या अर्थ का सरफेस हो, ठीक है, तो ये चार्ज जो है वहाँ पर उससे कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है, उन दोनों के बीच में डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा। तो कहने का मतलब है इलेक्ट्रॉन जो हैं एयर के थ्रू वो आते हैं अर्थ पे, ठीक, तो जो स्पीड है और नंबर ऑफ जो जो चार्ज पार्टिकल हैं, सही है, वो बहुत ज़्यादा होते हैं, तो बहुत ज़्यादा होते हैं तो उससे जो हीट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, लाइटिंग ज़्यादा होती है, साउंड बहुत ज़्यादा होती है, ठीक, और जब अर्थ पे कहीं किसी सरफेस पे या बिल्डिंग पे गिरती है तो वहाँ पर उसको भी वो एकदम पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देती है, ठीक है, पेड़ पे गिरेगी तो पेड़ को भी फाड़ देगी, इस तरह का है, बिल्डिंग पे गिरेगी तो बिल्डिंग में भी उसको क्रैक आने के चांसेस हो जाते हैं। तो उससे प्रोटेक्शन के लिए क्या करते हैं, ये इस तरह का है, ये अर्थ, ये एक बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग में इस तरह के स्पाइक है ना, और अच्छा कंडक्टर मतलब कॉपर लगाया जाता है, तो ये स्पाइक लगाए हुए हैं और ये चारों तरफ से इसको अर्थ किया हुआ है, तो यहाँ पर ये दिखाया हुआ है अर्थ करने के लिए, और नीचे भी अर्थ में भी एक कॉपर प्लेट होती है बेसिकली, तो वो क्या है इजीली जो चार्ज आए और तुरंत का तुरंत वो डिस्चार्ज हो जाए, ठीक, तो इससे क्या होती है बिल्डिंग जो है उसको सेफ करा देते हैं, तो जितना भी मेटल पार्ट है उसको सबको कनेक्ट किया हुआ है इस अर्थ वाले उससे, ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं प्रॉपर अर्थिंग, तो बिल्डिंग को अर्थ किया है क्योंकि बिल्डिंग जो है ट्री से भी ऊपर है जो उसकी हाइट है। अब ये तो हो गया जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हो रहा है बिटवीन क्लाउड टू अर्थ, एक होता है बिटवीन क्लाउड टू क्लाउड, अब ये कैसे होता है अब इसको समझो, तो ये किसी यूनिवर्सिटी का है ना, तो इसमें जो ना डायग्राम बनाया हुआ है तो क्रेडिट उनको जाना चाहिए, तो यहाँ पर है डिस्चार्ज वैन क्लाउड बिटवीन नेगेटिव बेस, अब अलग अलग क्लाउड हैं तो एक पे पॉजिटिव चार्ज है ऊपर, एक पे नेगेटिव चार्ज है, और दूसरा भी कोई क्लाउड है जिसपे पॉजिटिव और नेगेटिव, और कोई ऊपर नीचे हैं थोड़े बहुत, तो अगर जो भी नियर अबाउट आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पर इसका नेगेटिव और इसके पॉजिटिव के नियर अबाउट आ गया, तो चार्ज इतना ज़्यादा है तो ये आपस में ही क्या हो जाएगा इंटर क्लाउड स्ट्राइक, तो ये क्या है डिस्चार्ज बिटवीन नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज सेंटर, तो इसमें बीच में डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, तो ज़रूरी नहीं कि अर्थ पे ही आए, सही है, तो अगर अर्थ के नियर अबाउट है तो अर्थ से डिस्चार्ज हो जाएगा, अगर वो आसपास हैं बादल तो उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आसपास आ रहे हैं एक बादल से दूसरे बादल में, तब भी इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होगा, तो हमें गिरने के जो नीचे गिरने के तो चांसेस बहुत कम होते हैं, ऊपर ही ऊपर ही वो अपने को बैलेंस करते रहते हैं, ठीक है, तो इस तरह का है, तो डिस्चार्ज विद इन द क्लाउड बिटवीन, अच्छा विद इन द क्लाउड भी होता है और क्लाउड से दूसरे क्लाउड में भी होता है, इंटर क्लाउड भी होता है, ठीक है, तो टिपिकल क्लाउड टू ग्राउंड लाइटिंग बिटवीन ग्राउंड एंड नेगेटिव चार्ज, तो तीन चीज़ हो गई, तो बिटवीन क्लाउड, इंटर क्लाउड और बिटवीन अर्थ टू क्लाउड, तो तीन तरह की ये हमारे डिस्चार्ज यहाँ पर होते हैं, ठीक, अब उससे आगे चलते हैं, ये बिल्डिंग की प्रोटेक्शन हो गई, अच्छा ये एक ये तो हो गया एक डायग्राम है और यहाँ पर ये रियल में है, तो यहाँ पर एक कॉपर की स्टिक है, इसको क्या कर रहे हैं इस बिल्डिंग को अर्थ कर रहे हैं, तो टॉप अप पे लगाया और इसको स्पाइक बना दिया, तो स्पाइक क्या करते हैं वो चार्ज जो है इलेक्ट्रिक है तो उससे क्या करते हैं वो ज़्यादा अट्रैक्ट होता है, तो स्पाइक क्यों लेते हैं इसको हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड नाम के लेक्चर में, स्पाइक ही क्यों ले रहे हैं है ना, चलिए तो इसको करेंगे, और प्रॉपर जो है यहाँ पर जो कॉपर की है ना एक तरह से शीट है उसको ऊपर की शीट लगाएंगे प्रॉपर पूरी बिल्डिंग के चारों तरफ, तो कहीं भी गिर सकती है, कोई ज़रूरी नहीं कि ये ऊपर यही है, तो इसके जहाँ भी ऊपर वाले कोर है इस पे सब पे कोपर की एक शीट लगाते हैं प्रॉपर करने के लिए, तो ये प्रॉपर अर्थिंग। नेक्स्ट है कोरोना डिस्चार्ज, तो कोरोना डिस्चार्ज अब जो हाई टेंशन लाइन है इसमें कभी आपने फील किया हो तो हाई टेंशन लाइन में बेसिकली हाई टेंशन लाइन का मतलब है कि जो वहाँ पर जो वोल्टेज है जो फ्लो करती है वो मेगा वोल्ट में होती है, तो आसपास की जो एयर है उसको ये आयनाइज कर देते हैं, ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है जो आसपास की एयर है वो आयनाइज होती है, तो हमेशा हम की आवाज़ आती है जब भी कभी हाई टेंशन लाइन पे जाओगे इस तरह उसके नीचे से निकलोगे तो उसमें एक चिर्प साउंड हमेशा कंटिन्यूस चलती रहती है, तो वो बेसिकली क्या है एयर को क्या कर रहे हैं आयनाइज कर रहे हैं, ठीक, तो अगर बारिश हो इस तरह अगर इसमें कहीं बारिश हो तो बारिश में जो वाटर उसमें जो अब ये भी डिपेंड करता है कि जो आयनाइज जो हो रहा है आयनाइजेशन एयर का उसमें कितना मॉइस्चर है, मॉइस्चर का मतलब है जो वाटर पार्टिकल हैं वो कितने हैं, तो अगर मॉइस्चर ज़्यादा है तो
तो ज़्यादा डिस्चार्ज होता है क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल जो हैं वो इजीली क्या है वो चार्ज हो जाते हैं। ठीक, अगर बारिश हो रही है और बारिश में तो ये ख़तरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो बारिश में अगर आप छाता लेके जाओ हाई टेंशन लाइन के नीचे से, तो जो वाटर ड्रोपलेट हैं वो आपकी वो चार्ज वाटर ड्रोपलेट हैं और वो आपके जो अम्ब्रेला के ऊपर उस पर कलेक्ट होंगी, और जो अम्ब्रेला की जो स्टील वाली जो रोड है उससे कनेक्ट होते हुए आपके बॉडी से होती हुई अर्थ होनी शुरू हो जाएगी। ठीक, तो कभी देखेंगे मतलब इतना ज़्यादा नहीं होता है कि वो कुछ हमें नुकसान पहुँचा दे, पर वो महसूस होता है ना, तो सरसरा सा कुछ इस तरह का उस तरह महसूस होता है, चिप साउंड होता है, लाइटिंग दिखाई देती है अंधेरे में अगर जा रहे हैं तो अम्ब्रेला के चारों तरफ वो लाइटिंग दिखाई देती है इस तरह का। तो ये है, इसको बोलते हैं कोरोना डिस्चार्ज। अब कोरोना डिस्चार्ज कैसे होता है इसको समझो, जो हाई वोल्टेज इस पर दी हुई है, इधर हाई वोल्टेज है, और जो अगर स्पाइक इस तरह बनी हुई है यानी जो सरफेस एरिया है वो कर्व्ड है ना, जो कर्वेचर है वो बहुत शार्प है, एज है, तो ये जो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनों का जो डिस्चार्ज है वो बहुत ज़्यादा होता है, जो इलेक्ट्रॉन का डिस्चार्ज है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो ये इसको क्या कर देता है, इस एयर को, सराउंड एयर को ये पूरा पूरा एक तरह से आयनाइज कर देता है। ठीक है, तो आयनाइज आयनाइजेशन क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड में हम डिस्कस करेंगे। ठीक, ऐसे ही हाई वोल्टेज अगर ये राउंड टिप है, शार्प एज नहीं है, तो जो डिस्चार्ज है वो बहुत लो होता है। और इसमें एक पिक्चर है, ये तो ये भी कोरोना डिस्चार्ज की है। तो कोरोना डिस्चार्ज इसको जो इफेक्ट है, जो इस तरह का जो ये ब्लू वायलेट जो इस तरह का जो लाइट निकलती है, इसको कोरोना डिस्चार्ज बोलते हैं। ठीक, तो पावर लॉस होता है इसमें भी, क्योंकि कंटिन्यूस अगर ये कोरोना डिस्चार्ज हो रहा है तो जो पावर लॉसेस का है बेसिकली है, तो इसको लॉसेस को रिड्यूस करने के लिए भी कई सारी चीज़ें करते हैं। तो ये जो डिस्चार्ज है ये बेसिकली जो पावर है, जो पावर लाइन है, और वो डिस्चार्ज हो रहा है थ्रू पावर लाइन टू एयर। तो एयर में जितना ज़्यादा मॉइस्चर होगा उतना ज़्यादा डिस्चार्ज होगा। ठीक, नीचे आते हैं ऑपरेशन थिएटर। ऑपरेशन थिएटर में भी बेसिकली अगर हमारे जो जब ऑपरेशन करते हैं डॉक्टर, तो जो उनके टूल्स हैं वो स्टेनलेस स्टील के हैं, तो अगर वहाँ पर कोई चार्ज है उन टूल में, तो वो क्या करते हैं, डस्ट और इस तरह के जो बैक्टीरिया हैं उनको अट्रैक्ट करते हैं। तो एयर में बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, सही है, तो वो क्या करते हैं, उसको अट्रैक्ट करते हैं। अगर वो चार्ज है मतलब बॉडी चार्ज है या उसके जो टूल हैं अगर वो चार्ज हैं, तो वो क्या करेंगे, जो डस्ट है, डस्ट पार्टिकल या उसमें बैक्टीरिया हैं, उनको वो टूल पे क्या करते हैं, उसको अट्रैक्ट करते हैं। और उसको अट्रैक्ट करने जब वो अट्रैक्ट करेंगे और उससे हम क्या करेंगे, ऑपरेशन कर रहा है डॉक्टर, तो वो बॉडी में चले जाते हैं, तो वो डेंजर है। ठीक है, वो इन्फेक्शन जनरेट करता है, तो इसलिए प्रॉपर अर्थ कराते हैं। ऐसे कंप्यूटर का है, तो कंप्यूटर में बहुत सारे जो सेमीकंडक्टर जो डिवाइसेस हैं है ना, तो बॉडी का कभी कभार चार्ज इतना ज़्यादा होता है कि आप अगर उसको किसी विदाउट अगर आप डिस्चार्ज नहीं करते हो अपनी बॉडी को और उसको अगर छोलो तो वो डैमेज हो जाएगी। तो इसमें बहुत सारी आईसी हैं, छोटे छोटे कंपोनेंट हैं जो 5 वोल्ट टू 15 वोल्ट काम करते हैं। तो आपका चार्ज अगर सपोज करो 20 और 30 वोल्ट का है, तो वो एक चार्ज में अगर वो डिस्चार्ज होगा इसके साथ है ना, कंप्यूटर के जो सीपीयू का, ये सीपीयू के अंदर का पार्ट है, तो इसको जो रिपेयर करने वाला है वो पहले अपने को कम्प्लीटली डिस्चार्ज करता है। ठीक है, तो एक और प्रॉब्लम है, जो सिस्टम है जो सीपीयू वगैरह आते हैं, अगर प्रॉपर अर्थ ना करें तो उसमें भी इलेक्ट्रिक चार्ज जो है, स्टैटिक चार्ज इतना ज़्यादा है उसमें कलेक्ट हो जाता है कि वो ऑन नहीं होता है। तो उसके लिए प्रॉपर अर्थिंग ज़रूरी है, तो फिर उसको प्रॉपर अर्थिंग बनाने के लिए ज़रूरत पड़ती है। तो कभी फील किया होगा अगर आपने डेस्कटॉप लिया होगा, सही तो है, लैपटॉप में तो सिर्फ 2 वायर हैं क्योंकि वो सारा डीसी में कन्वर्ट करके उधर से देता है। हाँ, तो जो लैपटॉप में है उसमें 2 वायर हैं, वो उसमें अर्थ वाला इस तरह का कुछ इस तरह की प्रॉब्लम नहीं है, पर जो डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप में एक अर्थ वाला वायर भी होता है, अगर प्रॉपरली अर्थ नहीं है आपका डेस्कटॉप, उसकी बॉडी प्रॉपरली अर्थ नहीं है। ठीक है, तो जो थर्ड वाला वायर है अर्थ वाला, एक तो पावर हो गया, एक हो गया आपका न्यूट्रल, तो दोनों से अलग एक अर्थ वाला है। अगर प्रॉपरली अर्थ नहीं है सीपीयू, तो सीपीयू जब तक चलता रहेगा, जब उसको आप बंद करोगे तो ड्यू टू स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी वो ऑन नहीं होता, उसमें इस तरह के वो सेंसर लगा देते हैं। ठीक है, अगर वो इलेक्ट्रिसिटी है तो वो ऑन नहीं होगा, तो क्योंकि उससे सिस्टम के डैमेज होने का खतरा हो जाता है। ठीक, तो चलिए इसको मैं यहीं रोकता हूँ, तो
इसमें क्या क्या इसके नुकसान हैं और कैसे उनको हम बचा जा सकता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी से, वो मैंने यहाँ पर सब डिस्कस किया है। और अब नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इसके यूज़र्स, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के यूज़ भी हैं। ठीक, तो जैसे यहाँ पर ये इन्होंने दिखाया है, ये जो हाथ में बैंड बांधा हुआ है इसको अर्थ करने के लिए, बॉडी को डिस्चार्ज करने के लिए, ऐसा ही जितने भी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग हैं वो सब जब भी काम करते हैं तो वो अपने को इस तरह प्रॉपरली अर्थ करते हैं। ठीक, और ऐसे ही डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में वो भी सेम बैंड ऐसा ही रहता है, उससे वो प्रॉपरली अर्थ करते हैं अपने आप को। ठीक है जी, चलिए, अगर ये लेक्चर पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर किए, मेरा चैनल है सब्सक्राइब करें। ठीक, चलिए, थैंक यू।